मुसलमानों से कहते तो भारत माता की जय, क्या कहते तो भारत माता की जय। अच्छा फिर भी हम मान लेते हैं कि भारत माता की जय बोलना है, क्या बोलना है भारत माता की जय। तो सवाल पूछो इनसे कि भाई ये भारत माता है कौन, सवाल पूछना है कि तुम भारत माता की जय बोलते हो, ये भारत माता है कौन। तो सुभाष चंद्र बोस ने भारत माता किसे बताया, मैं आपको बताता हूं। 1940 में 1940 सुभाष चंद्र बोस निकले चंदा लेने, डोनेशन लेने, और लोगों से घर घर जाकर डोनेशन ले रहे थे कि हमें पैसे दीजिए, अंग्रेजों के खिलाफ हमें जंग करना है। तो 1940 में एक मुसलमान यूसुफ मारफानी 1 करोड़ रुपए सुभाष चंद्र बोस को देता है, एक मुसलमान इंसान। तो उस मुसलमान इंसान के घर में एक बुरी औरत बैठी होती है, वो बुरी औरत जोर जोर से रोने लगती है। तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं बुरी माँ तू क्यों रोती है। तो बुरी औरत कहती मैं नाबीना हूं, मैं अंधी हूं, और मेरे पास 1 करोड़ रुपए भी नहीं है, तो मैं तुम्हें क्या दूं सुभाष, काश मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते तो मैं तुझे दे देती। वो मुसलमान बुरी औरत से सुभाष चंद्र बोस कहते हैं अरे बुरी माँ तू नाबीना है, तू कमजोर है, तेरे पास 1 करोड़ रुपए भी नहीं, पर तेरे पास एक नौजवान बेटा है शहनवाज खान, तू मुझे दे दे वो मेरे फौज में दाखिल होगा। और वो शहनवाज खान कैप्टन शहनवाज खान बनते हैं नेताजी के फौज के, और जब वो अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं शहनवाज खान, तो नेताजी उस बुरी माँ को पूरे फौज के सामने खड़ा करते हैं, शहनवाज खान की माँ को पूरी फौज के सामने खड़ा करते हैं, और कहते हैं कि हिंदुस्तान की फौज तुम में से जिसने भी भारत माँ को नहीं देखा इस बुरी माँ को देख लो, ये है भारत माँ।